गुरु दिन जारा लाया वस्तु अमोर और सौदागर साचा मिले तो बेले सिर साचे तो संगत करना संत की और कई नुगरा से काम नुगरा ले जावे नारगी तो संत मिलावे दाम। आदमी यदि अच्छे आदमी को संग करे तो दो बात अच्छी सीखण वास्ते मिले। आदमी कोई सत्संगी रो संग करे तो कभी वो मंदिर में ले जाए, कभी वो गुरु महाराज रे आश्रम ले जाए, कभी मठ पर ले जाए, कभी गौशाला में ले जाए। दो बात अच्छी अध्यात्म भी कही, दो बात सत्संग भी कही। और कोई आदमी दारूडी रो संग कर लियो तो सामने हाथ बजी गए हो ठेको बंद हो जाए चल। तो अलग अलग प्रकार का लोग है। कई लोग ध्यान रखे कि 7 बजे मंदिर में आरती रो टाइम है, लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य हो गया मित्रों कि बहुत अधिक लोग ये ध्यान रखते हैं कि 8 बजे दुकान बंद नहीं हो जाते। तो अलग अलग मामले हैं, लेकिन जिन्होंने सत्संग की है, जिन्होंने गुरु भक्ति की है, जिन्होंने दान पुण्य किया है, जिन्होंने धर्म को निभाया है, उनके नाम अमर हो गए। इसलिए बहुत सुंदर एक धर्मदास जी भजन गा रहे हो। अरे गणपत गरबा सिमरो भाई संतो एक भवर सगर में डूबता रे ए हम पद हम के लादो इमारा सतगुरु हे लो मारियो तू मोला जाबो। ए पाप मैं चाहता हूं कि आप लोग जग रहे हो यार जहां पर हो नहीं हो इसका परिचय दे दो अपने हाथों को उठा के एक बार ताली बजा दे। गणपत गरबा औपचारे सिमरो भई संतो बगर सगर में डूब तारे पद हम के लादे बगर सगर में डूब तारे पद हम के लादे गुरु हेलो मारियो तू मोरा जादे मारा धुन गुरु हेलो मारियो तू मोरा जादे पर सुरर गुरु हमें खेल लो कायर कर खादो सिमरो भई संतो गगन सागर माही डूब तारे पद हम के लादे गुरु हेलो मारियो हो तो या जादे अरे हुरन पुरन हमें खेल लो कायर डर भागो। राम जी Thank you.
सको बचन गुरु जी रे मन रे पग हरनो आगे बचन गुरु जी रे मन रे पग हरनो आगे मारियो रे सुर तोड़ा जागे सुर रे गुरु हमें मिलनो रे कायर डर भागो सतगुरु हेलो मारियो अरे भाई सुतोड़ा जागो और तो हुरो पुरो रो खेलो कायर हो तो भागो भक्ति कोई कोई कायर तारो काम नहीं ऐसा सूरवीर तारो काम है भक्ति खांडेरी धार पर हुई क्योंकि तो कायर सू चलियो ना जावे कायर सू चलियो ना जावे और सूरा चले एक सार फकीरी चलनो खांडे वाली संतों ने और समझाया बोले भाई अरे बीज खेत में डालो आलस मत बावे बीज खेत में डालो आलस मत बावे तीनड़ी कमाया की आस की रे दादा भर जावे तीनड़ी कमाया की आस की रे दादा भर जावे मारियो सुतोड़ा जावे पूरे पूरे रोम पूरे पूरे रोम पूरे पूरे रोम पूरे पूरे रोम खेलो रे तायर डर भागो हे ओजी किसान बैठा हो खेती बाड़ी रो काम करने वाला लोग बैठा हो यदि खेत में बाजरी रो बीज बावला तो कहीं उगेला मूंग मोठ तिल बाजरी रो बीज बाए तो कहीं उगेला थोड़ा जोर से बोलो बाजरी रो बीज बाए तो बाजरी लेकिन खेत में यदि लून बाजी हो तो लून उगेला तो नहीं उगड़ेरी तो कोई बात ही नहीं बस जमीन ने भी बंजर कर देना पाची उगड़ेरी आज भी खत्म हो जावेला संतों ने बड़ी जोरदार बात कही है कि साहब बीज खेत में बावड़ो खारस मत बाओ जिन प्रकार खेत में बीज रो बीजनो करनो तो अनाज निपजे उसी प्रकार अपने मनुष्य जन्म में भी भक्ति रूपी बीज रो बावड़ो करनो दान पुण्य रूपी बीज रो बावड़ो करनो क्योंकि अठे दियोड़ो आगे मिलेला अठे दियोड़ो आगे मिलेला लेनो हाथों हाथ रो और राम जी मिल जावे मेचो राखो हाची बात रो तो लिखे बीज खेत में बावड़ो अरे भाई खारस मत बावो क्योंकि तो किनोड़ी कमाई आगे आवसी कहीं कहो ताली बजा के थोड़ा किनोड़ी कमाई
फिर कमाया लिया वसीर काटा भर जावे मेरी कमाया लिया वसीर काटा भर जावे अरे भक्ति हुए हसदा बन चालो हीरला बन जो हे पिरार हसदा बन चालो हंसलारो और बुगलारो एक रंग है संबंध में दोई रवे दोई पानी रा जीव दोनों ही दोड़े रंग रहा है लेकिन हंसले और बुगले में फर्क नहीं है कि हंस तो है जो वो मोती डारो चूर्ण करे और बुगलो देखे कि मच्छी कटे तो बस ये बुगलो हंसा बुगला एक रंग का बुगला ने हंस कुण कैसी बुगला हंसा बुगला एक रंग का और बुगला ने हंस कुण कैसी संत मिला उपदेशी आगमरी बाता कैसी रे माने संत मिला उपदेश अरे हिरला बन जो हिरला बन जो हे किरार हसदा बन चाले मोती समदानी पुजे हसला दो थावे मोती समदानी पुजे हसला दो थावे दास धन देवियो उत्पादो आयो रघुनि दास धन देवियो उत्पादो आयो अरे रघुनि दास धन देवियो उत्पादो आयो अरे के हो गए दीवाना जो शरीर झूठी मत जानो अरे कबले वाला वाला रघुनिदास धन्य देवियो एतबारो आयो एहु दीवाना जो शरीर ओ झूठी मत जानो एहु दीवाना जो शरीर ओ झूठी मत जानो Oh,
प्रेम से बोलना है। बोले सतगुरुदेव की, बोले हिरला बनजो हे तेरा और हंस दावण चालो। आदमी का दो रूप नहीं होना चाहिए साहब। अब अमूमन क्या होता है कि आदमी दुनिया में दिखे तो वो ये भी हो ऐसो आदमी है, लेकिन दुनिया रे अंदर तो दिखने में अलग और खुद में अलग, दो प्रकार का रूप ना है वो। संतों ने समझाया है कि भाई हिरला बन जो हेतरा ते हंस दावण चालो, क्योंकि मोती समदा नहीं पुजे और हंसला रो उठावो। मारा सतगुरु हेलो मारियो जगो या जागो, और सुरो पुरो रो खेलो कायर हो तो। बोले धर्मी दास धन हेरियो, और जद एतबारो आयो भाई, और केवो दीवाना देश री भाई झूठी मत मानो, क्योंकि मारा सतगुरु हेलो मारियो जगो या जागो, सुरो पुरो रो खेलो कायर हो तो। बाबू ये दो गुरु वंदना मैंने गाई है, अब उसके बाद में मैं गौ माता का गाऊंगा। भगवान श्री ठाकुर जी आपके यहाँ ठाकुर जी का मंदिर भी है तो वो भी गाऊंगा, और भी राजाराम जी महाराज रो भजन में प्रस्तुत करूंगा, बाबू जी केदाराम जी महाराज रो गाऊंगा, उसके अलावा बाबा रामदेव जी रो गाऊंगा। और कहीं आप लोग युवा लोग बैठे हो, आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मुझे पता है आपके मोबाइल में सब कुछ भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद में थे भी खुलो ला, हाल तक तो यूं थोड़ा यूं, क्योंकि सब लोग विराजे तो अठे हो, शरीर सबरो अठे है, कई कई लोग हंसलो कटी और उड़ दो फिर रहे है। अब धीरे धीरे ठिकाने आए, स्टेशन धीरे धीरे पकड़े ला बंटा है, तो थोड़ा पकड़ने दो स्टेशन, जयकारा और फिर दो एक बार मन बात की बारे मेला हुआ बारे मेला हुआ। अपने देश में ये हास्य कलाकार है ओम जी मावर, अपने हंसा वाला अटे, क्या बात है, क्या बात है। माता जी मंच पे आके माता जी नाम क्यों गा रहे हो? सनगारी भाई बैठा है मंच पर, सनगारी बहन क्या बात है, ताली बजाओ एक बार सभी लोग। मेरे 18 साल के जीवन में पहली बार माता जी आशीर्वाद देने के लिए, हाँ जय हो। अब इतनी भारी भीड़ है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, आज प्रकाश माली के माथे पर वार करके जो कुछ आप भेंट करोगे ना, वो इस डब्बे में जा कन्हैया गौ माता के आगे बसरी बजा रहे हैं, बस इनके खाते में जाएंगे। गुजरात में कार्यक्रम होता है, कीर्तिदान गढ़वी जब गाता है किसी गौ माता के लिए किसी मंदिर के लिए, तो पूरा मंच नोटों से भर जाता है। कई लोग बार मेरे पूछते यार कीर्तिदान गढ़वी गा रहे हो भाई साहब, स्टेज दिखे को नहीं, बाजू दिखे को नहीं, इतना नोट वारे इतना नोट वारे, वो तो एक ही प्रोग्राम में करोड़पति हो गया था। देखिए बेटे का वहां मैं कीर्तिदान गढ़वी का माता पर जो रुपया है नहीं, मैं सब गौ माता के सामने जा पड़िया, बस ऐसा ही रंग है। एक बार तालियां बजा करके बहुत जोरदार स्वागत करें, और अगर आपका मन है तो शीतला माता गौशाला में बंधी हुई गौ माता के सामने आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो चारे के लिए काउंटर लगा हुआ है, चारे के लिए पानी के लिए किसी भी सहायता के लिए। और सबसे पहली होली, सबसे पहला नाम जो आज के इस कार्यक्रम में आया है, नाम सुनने के बाद में ताले बजा करके आप उनको आशीर्वाद देना। चार बुजा हार्डवेयर सांचोर की तरफ से 5101 रुपया गौ माता के चरणों में सेपरे भेज। जमाना बहुत खराब है, आजकल फोगट में लोग बाग आवाज भी नहीं देते यार, है ना, फोगट में आवाज भी नहीं देते। ऐसे जमाने में आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्म ऋषि खेताराम जी महाराज ने पुष्कर के बाढ़ में मंदिर बनाया आसोत्रा में वर्मा जी का, तो पुष्कर में थोड़ा घुमा दूं, पुष्कर और आसोत्रा के अलावा कहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है ही नहीं। पुष्कर वारे वाह पुष्कर, बस में भर दिया ठूस कर, वारे वाह पुष्कर, बस में भर दिया ठूस कर, फिर भी जावे ऊस कर, वारे वाह पुष्कर। एक बात तो जयकारा बोल दे पुष्कर राज को, बोले पुष्कर राज धाम है की। महेंद्र हेलीकॉप्टर में थोड़ा हेटर आ गया, ऐसा कहीं एक बी में बैठ रूट बल आ जावे। पुष्कर राज के मायने काती महीने में और मेड़ो, अब मैं जावा देखो तो समझ में आवे, मैं जार स्नान करा, पर अंग्रेज बहुत आवे, अंग्रेज आवे फोटवा खेचे, गुंगटा बड़ी लुगाए की फोटो, सापा की फोटो, डैडी की फोटो, मूचा की फोटो। एक बाबजी को कामड़ो फाटो 20 जगह 20 कार्य लागोड़ी महाराज को कामड़ो सूख रही हो, अंग्रेज देखियो कोई बढ़िया डिजाइन टकरी है,
निकाल कैमरा लग गया फोटोग्राफी में, ओ वेरी नाइस, ओ नो, ओ ओ हो ब्यूटीफुल, ओ वेरी गुड वेरी गुड। दस अंग्रेज बाप जी के कामले की फोटोग्राफी कर रहे। मैं आया घूमते घूमते, अंग्रेजों ने मेरे को पूछा वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, व्हाट इज दिस। अब क्या ना बताऊं बाप जी को कामलो, वेरी ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट इज दिस। मैंने कहा सर दिस इज नॉट डिजाइन बट व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज गाबा, ओ दिस इज गाबा बट वेर आर बाबा। गाबा डे सूख गया बाबा, पुष्कर राज में स्नान कर दिया। एक बार और उड़वा दो हबीड, पुष्कर राज के जयकार को बोलिए पुष्कर राज धाम की। अंग्रेज गए गऊ घाट पे, गऊ घाट पे जो आवाज सापा फेंके सीधो अंदर जार, बोलिए पुष्कर राज धाम की जय हो। अंग्रेजों ने सवाल किया हर आदमी पानी में, मैं पानी बहुत पवित्र है। अंग्रेज ने एक सवाल और किया तुम्हारे हिंदुस्तान में रोज त्यौहार। मैंने कहा साहब कभी कभी डबल आ जाता है। डबल कैसे? एकम बीज भेड़ी होगी, एक नोर तो टूट गयो। अंग्रेज को मैंने 15 त्यौहार गिनाए, आपको याद हो आप बोलना, आपको याद हो आप बोलना, याद है आपको? अंग्रेज को मैंने कहा देख हिंदुस्तान में सबसे पहले आवे माता जी की एकम, फिर आवे रामदेव बाबा की, रामदेव बाबा की, पचे आखा गणेश जी की, नाग ऊब सीतला, दुर्गा माता जी की, राम जी की विजया, देवोटनी देवोटनी, जरस बच बारस धन तेरस रूप चौदस। आई दिवाली बता की जदन खाली, और आज मेरी दिवाली मेरी गौ माता ने ऐसी मनाई है। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो लगता नहीं था कि इतनी सारी भीड़ होगी, लेकिन गौ माता का प्रताप है, उनकी पुण्याई है, इतने सारे लोग बाग उसके चमत्कार को नमस्कार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो भगवान श्री राम का थोड़ा सा अरे भाई किया या वो गुरुवा दे दाए रूपा जमले पता दे दे जमले पता दे रूप भाई जागन में पता दे रे अरे किम करे ने गुरु आउरे सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे तबले की चाटी तो दबाओ ना। एक दिन गुरु महाराज हुकुम जी महाराज जो गांव में आणो हो रिक धारू नाम रो एक गुरु महाराज रो भगत हो मेघवाल जाति रो हो और गुरु महाराज रो आणो हुआ रिक धारू रे घरे गुरु महाराज रा पगलिया हुआ तो गुरु महाराज जब पधारिया तो गुरु महाराज धारू ने कहो कि देख धारू थारे घरे आज सत्संग रा और सत्संग में रूपा दे जी ने भी तू वायक भेज घना दिन हुआ है रूपा दे जी वो मिलो नहीं हो बोले एक काम कर भाई तू सत्संग में आज रूपा दे जी ने वायक भेज और रूपा दे जी ने भी सत्संग में आने रो नेत दे। वायक आया गुरुदेव रा रूपा जमले पधारो पर रूपा दे जी ने मन में शंका ही बोले गुरु महाराज सत्संग तो रात्रा बहला रात्रा मारो आनो मुश्किल है क्योंकि महल है बड़ी कड़ी पहरेदारी है और बिना बताया मैं रात्रा की कराओ रानी रूपा दे जी अरे केम करे ने गुरु रे सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे चले जाओ पीछे बोले केम करे ने गुरु आऊं सूता रावण माल जागे बोले हे गुरु महाराज
दारू जब आया तो दारू ने कहो कि देख दारू मारे पति देव रो हबाव थोड़ो आग्रह है पर मैं आ नहीं पाऊंगा, गुरु महाराज ने आप मारी माफी मांग लीजो कि भाई रूपा दे तो अपने रावले की मर्यादा रे कारण रात्रा निकलेला नहीं। लेकिन गुरु महाराज रो आदेश दारू मेघवाल तो वापस घर आ गयो। अब देखो शाम रो वक्त हुआ, सिंजा रो टाइम हुआ, रूपा देव जी ने मन में बड़ी हलचल मच गई कि आज गुरु महाराज आया है, इतना दिनों दर्शन करने की मारी मन की लालसा है और मैं तो दारू ने मना कर दियो। दारू जार गुरु महाराज ने कही, गुरु महाराज मन में कहीं सोची कि देख इतना दिनों बाद में तो मैं आयो और रूपा तो मिलन वास्ते भी नहीं आई। गुरु महाराज मैं आ बात बढ़िया नहीं लागेला। देखो भगवान को जो भक्त है और हमारे राजस्थान आप लोग देखो बायक यदि लिया है तो अणुकते हैं, यदि बायक पकड़ लिया तो फिर जानोते है अनंत चौदह से पूर्णमरा उजमना है अनंत रो दातन दे तो दातन देने के बाद वो साध्वी को अनंत में जाना पड़ता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। रात हो गई, रानी रूपांदे जी मन में बड़ा परेशान हो गया कि जाऊं तो जाऊं की कर। सभी लोग सुनना, रानी रूपांदे जी एक धर्मरो भाई हो और कोई मिनक नहीं हो। रानी रूपांदे जी एक धर्मरो भाई तो बिनो वो नाग हो सांप हो। पिछले जन्म में रानी रूपांदे जी एक धर्मरो भाई बनो बिनो नाम हो तक हो नाग। रानी रूपांदे जी अपने भाई ने याद किया, बोले भाई आज तारी बहन में बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी मुसीबत है और आज मारे भाई ने याद करो तो मारी कोई कोई काम निकाल दे, मारो कोई काम सार दे। कहे अरे निंद्रिया मंगा वो हारा है रे धंधिए सांपड़ला पोटा हो रे धंधिए सांपड़ला पोटा हो रे निंद्रिया मंगा वो हारा है रे धंधिए सांपड़ला पोटा हो रे धंधिए सांपड़ला पोटा हो रे। अरे इतरो करे ने रूपा लिया रे आया रखियो दे दरबादा रे ओ आया रखियो दे दरबादा रे ओ जी। भाई नाग देवता सामने खड़े हो गए, बोले बहन घना सालों याद क्यों कहीं हो गयो। बोले भाई आज बड़ी अब की बात पड़ गई है, मारा गुरुमराज उगम जी महाराज पधारा है और मैंने सत्संग में जानो है और एक काम करो आज की रात मैं तो जाऊंगा सत्संग में, आप मैं पास ही नहीं आऊं जब तक मारे बिस्तर पर आप न सोनो और कोई आवे तो फूफाड़ो भी जो मत कर जो बेटे बाप ध्यान रख जो चुपचाप बोला बोला होता रही जो प्रभात पाला मैं वापस आ जाऊं। तेरे ने रूपा लिया रे आया रखियो दे दरबादा रे आया रखियो दे दरबादा रे। सपने संतों ने रामा राम जी रे मारा गुरु ने गण कम्मा रे तुम्हारा गुरु ने गण कम्मा रे हो जी। गौ माता के परम भक्त मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री एस एस टाइगर मंच पर आए, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करूं।
पुत्र आपने अपने धर्मरा भाई ने अपने बिस्तर पर सुला। रानी रूपादे जी गुरुमराज ने मिलने री लालसा ले और रात का वक्त महलों बाहर निकलिया, सत्संग में पधारिया। कहो सबरे संतों ने रामा राम जी, आप ही हाथ जोड़ी दो, मैं आपसे राम राम कर रहा हूं। सबरे संतों ने रामा राम जी और हमारा गुरुमराज उगम जी ने घड़ी खम्मा। गुरुमराज आशीर्वाद ले, रूपादे जी भजनों में बैठा है और रात भर भगवान का भजन गाया है। गुरुमराज बड़ा प्रसन्न हो गया, रूपादे जी भगवान की अलग अलग महिमा रो लीला रो गुणगान कियो है। अब प्रभात रो भक्त हुए, अब रूपादे जी ने मन में हो कि सुबह प्रभात नहीं होने पहला तो घर जानो पाछो पतो नहीं लावनो चाहिए कि नहीं कि रूपादी गई कि नहीं गई। डावल माल देव जी ने दो लुगाया ही चंद्रावल पीछो कर लियो रूपादे जी ने। रूपादे जी जब मोजड़ियां उतारी एक खवा जी ने लारे मिलिया पे मोजड़ी, एक मोजड़ी चुराई और रावण मालदेव जी ने जगाई। बोले पिया जी ये तो सुख पर नींद में सूता हो और मैं हमेशा क्या हूं कि हमारी बात पर भरोसा नहीं करो, और आज रूपादे महल में नहीं है, आप जार बलि चेक कर सको। और देखिए अब क्या हुआ, बत्तियों को जोड़ी हारा है रावण माल जागा दे। ओ पत्तियों को जोड़ी हारा है सूता रावण माल जागा दे, इस सूता रावण माल जागा दे। रावण माल दे जी उठ और जार, रूपा दे जी ने कमरे में जार देखे तो देखो वो तो गोगो जी, हा सांप तो सांप होता है, माने कहीं खबर। जो ही रावण माल दे जी ने मोजड़ियों थोड़ी बाजी और वे एकदम छटको दे और नाग देव का बिस्तर माते फूफाड़ होकर खड़ा हो गया। रावण माल दे जी तो नाग ने देखते डर गया, लेकिन मन में बड़ो क्रोध आयो कि आज रूपा दे चंद्रावल थारी बात हाची है, आज अब मैं तलवार ले जाऊं जठी मारे में रूपा दे मिलेला, आज तो रूपा दे रो सर कलम कर दूला, खत्म कर दूला कहानी। चंद्रावल आई चाहते क्योंकि होंक ऊपर होंक नहीं घटे। चंद्रावल देखे कि इन बाण ने आज रूपा दे ने मार दे और अपने घर में राज हो जावे। और देखिए अटी ने तो आ घटना हो गई, और अटनी रूपा दे जी जब भजनों निकल वापस घर में वापस घर की तरफ जान लगा तो बाहर आया तो मोजड़ियां जो दो उतारी उनमें एक मोजड़ी गायब। अब एक मोजड़ी और पैर लो भी कहीं रानी रूपा दे जी उड़ बाण आई वापस मेले रखानी रवाना हो गए। मन में बड़ी चिंता हो गई कि आज कोई न कोई बात जरूर हुई है और कोई मुसीबत आ गई तो फिर जवाब कहीं दूला, क्योंकि मैं तो नुगरा लोग है माने समझाणो कहीं माने फिक्र समझाऊंगा। अब देखिए मित्रों सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनना, रूपा दे जी इन चिंता में धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा है और रावण माल दे जी महलों नीचे उतर और हाथ में तलवार ले रूपा दे जी ने खत्म करने की ठान निकल चुका है और कहा अरे होकड़ी हेरी में होकड़ी हेरी में हो रे रानी कबेला कबेला हम जाता दे। अचानक पूछो कि रानी कठे गया मैंने बताओ, आज आप मेरा हाथ तो नहीं बच पाओ, सही सही जवाब दे दो नहीं तो थारो बात को बार दूला बार दूला बार दूला बार दूला। रानी रूपांते जी डरा नहीं क्योंकि माने भगवान पर, भगवान पर बोलो मेरी बात आप बोलो, माने भगवान पर थोड़ा जोर से बोलो भगवान पर भरोसा हो। खट से एकदम उत्तर दे दिया, बोले हे पतिदेव क्यों चिंता कर रहा हो, हाथी जोड़े में रूपा दे यार आप दे फूल बीन बाजाता दे, एक हरे फूल बीन बाजाता दे। खाली थाली में रूपा दे जी भगवान ऐसी कृपा करी कि खाली थाली में रावण माल दे जी ने खाली थाली में फूला रो बाग दिखा दियो। बड़े संत गुरुदेव रावण माल दे जी अचंभित हो गया, मा तो बम गयो चकरा गया कि थाली में फूल और इतना सारा नाना प्रकार का फूल कटू लाई। रावण माल दे जी रो सारो अभिमान उतर गयो, बोले इन्हीं भक्ति में इतनी शक्ति है कि नाना प्रकार का फूल उगा दिया, बाड़ी दिखा दी पूरी फुलारी। रावण माल दे जी रो अंदर हृदय परिवर्तन हो गयो, अपना अभिमान सारो उतर गयो, अपने अपने रावण होने रो जो मत हो
वो मज उतर गयो। रानी ने साहब ने हाथ जोड़ खड़ा हो गए, बोले रानी हरी भक्ति में शक्ति है और आज रावण हरी भक्ति में भी प्रणाम करे है। ये रानी और मारक मैंने भी बता दे, मैं भी भक्ति करनी चाहूं, ये फालतू में इतना दिन खोया, अब लाभ लो जन्म मैंने खोनो नहीं है, मैंने मारो सुकृत काम करनो है, मारी आत्म कल्याण की मारक तय करो। ये रानी वो जो मारक वो भूल आया है वो मारक मैंने भी दिखा दो। हाथ जोड़े ने रावण बोलिया, रानी थारो पंथ में बताओ। रानी रूपाधी जी ने पतो हो ए माता मैंने बैठी है, दुनिया में आदमी भले कितो ही ऊंचो ऊंचो ये करड़ो लकड़ो फिरे, लुगायो अछनो नहीं आदमी, दुनिया में भले कितो ही मोटो आदमी फिरे, लेकिन कोई भी पति कोई भी धनी आपकी लुगाई उन्हें बिना अच्छी तरह जाने कि मारो पति देव कड़ा है, भले दुनिया में मोटा मेहनत बनियो ना फिरे। परनीस्ते परखियो धौली ओक धनी, और नशे तसे में समझे नहीं थारी अन्न में नीत गणी। एक भाई राम हुड़ा पो चढ़ियो साहब, लुगाई ने जान के मारो खांडो बार ला, आज मारे बार चढ़ना है। लुगाई के बह जाओ, बोलो बोलो मैं पतो है रोटियों तो दिन में 50 बार जीमो और बार चढ़ना। बोले नहीं 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 मैं आज बिल्कुल बार चढ़ूला, मारो खांडो बार ला। लुगाई देखे वो घणो ही हुड़ा पो आयो, बोले लो साहब पधारो। किता भाई राम घरों निकलियो, लुगाई डागले पर चढ़ गई, देखो तो सही कड़े की बार चढ़े, थोड़ा धके गयो आगे माथा कटता देखा, खून बहता देखा, भाई राम तो तलवार एक केरड़ो मिल गयो, केरड़े कने तलवार रोप और ढालू लागो रहा। तो भाई राम तो फिर और ढालू बीने और ढालू खावे, तो थोड़ा केरड़ा यो कने गयो तो कटी मोरों में कटी खेड़ को आयो, कटी हाथों में आएगी कटी खून आएगी, कटी थोड़ा थोड़ा केरड़ा कांटा लग गया, सारो लोई लोयान होर पेट पूरो ढालवो दाब दो पाछो घर आयो। बोले देख अठे घाव, वो अठे घाव मोरो पर घाव, इतना माथा अट्टा बाड़िया, इतना हाथ काट दिया, इतना पग काट दिया। लुगाई के बोले बोले मैं मरो ना, पतो है मने कहड़ो क्यों मतो मोरा रगड़ता। तो नशे तसे में समझे नहीं, रावण रानी ने पतो हो कि मारा पति देव तो भक्ति की कर सके तो बड़ा मोह वाला है, बड़ो लोभ है, बड़ो मद है, फिर भी एक परीक्षा करी। बोले पिया जी अरे भक्ति करनी है, मार्ग में बताने वास्ते तैयार हूं, पर एक चार काम मैं थाने बनाऊ, थे काम कर आ जाओ पछे थाने भक्ति रो मारे मैं बता। देखिए सुनिएगा बड़ी सार गर्भित बात है, आप लोग सुनिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कहा। अरे पहला मारो रे मोदी हंसा पाले पहला मारो रे मोदी हंसा पाले धोड़ दे, एक चौथो मारो रे गौरो चंद्रा बड़े रानी रे, अरे तीजो मारो रे गौरो चंद्रा बड़े रानी रे, अरे इतरो तारे ने एक इतरो तारे ने जरे पछ पंथड़ लो बताबो रे, ये पछ पंथड़ लो बताबो रे। काम क्रोध मद लोभ, भक्ति में चार चीजें आड़ी आवे तहसीलदार साहब, काम आडो आवे, अभिमान आडो आवे, लोभ आडो आवे और मोह आडो आवे। रानी रूपाधे जी परीक्षा ली, बोले पहला मारो मोभी दीकरो पचे हंसलो घोड़ो, चौथो तीजो मारो गौरो बाजरो और चौथी चंद्रावल रानी। बोले ये चार ही चीजें काम क्रोध मद और लोभ, ये चार चीजें हैं आने खत्म करो। रावण मालदेव जी ने समझ में आई नहीं बात, तलवार निकाली, बोले मारने काटने का काम अपना है। बोले वो अठे तो हंसलो घोड़ो है, तू क्या तो इनो मंगल मैठी मेल दो, चंद्रावल घरे है तो भगत घर जान, दूजी बात घरे देखा। रानी रूपाधे जी पिया जी ने समझाया, बोले हे पिया कोई जीव हत्या करने भक्ति थोड़ी होनी है, आपने मन में जो है इन चीजों के प्रति जो लोभ है, आपने मन में जो ये क्रोध है, आपने मन में जो मद है, आपने मन में जो ये भोग है, इनको खत्म कर दो, मन ने सरल कर दो, आगे एक पाउंड भी भरोला तो वो सीधे सीधे भगवान की भक्ति की तरफ जावेला। और इस प्रकार समझाते हुए रानी रूपाधे जी बोले हे पिया जी
अरे हो जावो संत सुधारो थारी आया जी। दोनों हाथों को थोड़ी सर्दी उड़ाओ। रची घोड़ों ने भी महा को रावण मां कोई जाओ संत सुधारो करी काया जी ओ जी। हरी उंडा उंडा नीरे का फंग चले भरिया भरिया जी। तेरू डालो हाथ नहीं आलो रावण मां उंडा उंडा नीरे का फंग चले भरिया जी। तेरू डालो हाथ नहीं आलो रावण मां गड़बड़ नीम नीम बोले जरी नीकी जी। सीरी मिलाई है रावण मां कोई जब संत सुधारो करी काया जी ओ जी। बोले कड़वा नीम निमोलिया जारी मीठी। तहसील साहब बहुत शॉर्ट में भक्ति का पथ बता दिया। बोले हे पिया जी थारे भक्ति करनी है। बोले हाँ, तो आप एक काम करो कि जब नीमड़ो खारो है, नीमड़े री जड़ खारी है, नीमड़े री डालियां खारी है, छोटा खारा है, नीमड़े री पत्तियां खारी है, कूपन निकले बाई खारी है, जब पूरा नीमड़ो खारो जेल है तो बिड़ पर लागोड़ी नीमोली ने मीठी कौन बनाई। आप तो बुढ़ा आदमी रो पतो लगाओ कौन बनाई सा नीमोली मीठी बताओ आप। ये भाई ने हाथ ऊपर किया, बहुत अच्छी बात है। कड़वारे नीम नीमोलियां जारी मीठी और कौन नर मिश्री मिलाई। आप तो खोज करो भी आदमी भक्ति रो, बस खोज करते करते आगे जाओ ला तो बस वो भक्ति रो ही मारे गए। और खास बात ध्यान रख दो कहीं, अरे बेटे हटायो माल जी झूठ मत बोलो जी। पत्र पंचों में खरी जावे है वो रावण मां बेटे हटायो माल जी झूठ मत बोलो जी। पत्र पंचों में खरी जावे है वो रावण मां ए घर भी तो बंद कर दी लागे जी। गुड़ तो चोगी री बनो मीठो रावण मां घर भी तो बंद कर दी लागे जी। गुड़ तो चोगी री बनो मीठो रावण मां कोई कर छोड़ रही रूपा दे जी बोले जी। अपने अपने धनियों ने समझाया रावण मां कोई जावो संत सुधारो थोड़ी काया जी ओ जी। आग लगी आसमान में।
आग लगी। आग लगी आसमान में झुर झुर पड़े रे अंगार, संत नहीं होता, संत नहीं होता जगत में तो जड़ जा तो संसार। सूरज तपी अरे भाई गुरु बिनि घोर अंधा। बोले सौ सौ चंदा उगवे चाहे सूरज तपे हजार, और इतरो चानो यदि गुरु नहीं है फिर भी इतनी रोशनी है, और इतरो चानो ओता थका भी गुरु बिन घोर, दोनों हाथ उठा के गुरु बिन घोर अंधा। साहिब कबीर जी बहुत सुंदर रचना आप लोगों ने बेच में प्रस्तुत करे हो। ए अरे गुरु बिन घोरी अंधेरा रे संतो, हो गुरु बिन घोरी अंधेरा दी गुरु बिन घोरी अंधेरा रे संतो, गुरु बिन घोरी अंधेरा दी अंधेरा रे संतो। अब नहीं बस नहीं बस तू का मेरा पूजी, we'll be right back।
मेरे शहर में हो इसलिए मैं कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं, मुझे बांध दिया जाता है। फिर भी जो पूरे देश भर में करता हूं वही करूंगा। और मेरा इतने सभी लोगों से एक निवेदन है, मेरा एक प्रश्न है आप सभी लोगों से कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु धारणा की है, जिन्होंने गुरु बनाई या जिन्होंने गुरु मंत्र लिए, वो लोग सभी लोग एक बार अपने हाथ उठाए। जिन पर गुरु की कृपा है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, ऐसे सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिनके गुरु नहीं है ना, साहिब कबीर ने लिखा है, बोले परणे ओड़ी नार प्यारी गम जाने, अरे कई जाने लाण कवारी बाता, और बिना विवेक फिरे भटकती, इन कारण खावे लाता, और लागा बाण मत शब्द गुरारा, घायल बेजारी है वार्ता है। तो जिनके गुरु है ना उनको पता है कि गुरुदेव की कैसी कृपा होती, जिनको नहीं उनको पता नहीं। तो ए जब तक आग रहे पत्थर में, ओ नहीं पत्थर को गिरा दी, जब तक आग रहे पत्थर में, नहीं पत्थर को गिरा चोटा लगे शब्द भी, अब फेंकी आग जो पीरा